अभी कुछ ही दिनों में रंगों का त्यौहार होली का महापर्व आने वाला है, जिसको लेकर बच्चों से लेकर वृद्धों तक बहुत उत्साह में नजर आते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के उदय के साथ लोग होली का पर्व मनाने के लिए अपने अपने गृह नगर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वडोदरा में रहने वाले उपनगरों के लोग एसटी डेपो से अपने गृह नगर जाते हुए नजर आए हैं। प्रशासन की ओर से कोरोना के दिशा निर्देशों के अनुसार एसटी डेपो में सभी व्यवस्था की गई है, परंतु वहां पर आए लोगों को सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते हुए देखा गया है, और तो और कुछ लोग बिना मास्क के भी देखे गए थे। इसी के चलते एसटी डेपो के कंट्रोलर का ऐसा कहना है कि वो अक्सर सामाजिक दूरी बनाने का निर्देश तो देते हैं, और तो और यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसों का भी व्यवस्था करते हैं, परंतु लोग उनकी बात नहीं मानते हैं। विनंती, कोरोना नी चालती महामारी थी बचवा माटे तमामे पोताना मुंह पर फरजियात मास्क राखू, एक बीजा थी डिस्टेंस राखू, जाहिर मां भेगू थवू नहीं, अने आना माटे अमे छे ने वारंवार सूचनाओ आपीए छे मुसाफरोने सोशियल डिस्टेंस राखवानी, थर्मल गनथी चेकिंग चालू छे, जे एवा लागे छे एमने दवाखाने मोकली दीए छे, अमुकने बसमां बेसवा नहीं देता અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે બસો ચલાવીએ છીએ। અનિવાર્ય સંજોગોની અંદર કોઈક રેર કેસની અંદર કોઈક બસમાં બે પાંચ મુસાફર વધતા ઓછા થઈ જાય છે, એ તો એક્સ્ટ્રા સંચાલન કરીશું રોજ, જેમ જેમ મુસાફરોની સંખ્યા વધતી જશે, પહેલા દિવસે 5, બીજા દિવસે 10, એવી રીતે અમે 50-50, 60-70 બસો એક્સ્ટ્રા દોડાવી છે ગઈ સાલ, આ સાલ કદાચ એનાથી વધારે પણ દોડાવી પડે તો અમારી તૈયારી છે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।